हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर नेहा तनेजा। होपफुली यू पीपल आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड इन योर कैरियर। सो गाइस, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नॉन कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग पाथवे। एंड बहुत आसान तरीके से मैं इसको आपको समझाने वाली हूँ। पार्ट टू को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि WNT सिग्नलिंग पाथवे हम बहुत जगह पढ़ते हैं, वहाँ पर WNT एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है एज एन सिग्नल, एज एन लाइगेंड। लेकिन पाथवे जो है वो चेंज होता है। तो हम मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि हमने क्लासिकल या कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग के साथ बातें डिस्कस की। अभी नॉन कैनोनिकल के बारे में वी विल बी टॉकिंग। इन थर्ड पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट WNT कैल्शियम पाथवे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग नहीं जानते, सो आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CSI, UGC नेट एंड लाइफ साइंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। आप मुझे नेहा तनेजा नाम से वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको वहाँ मेरा नाम टाइप करना है, मेरी प्रोफाइल वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर लेना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दूँगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, 2021 बैच के लिए ये कुछ यूनिट्स हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो मैं डिटेल में कवर करा रही हूँ अनअकैडमी पर, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो इनके लिए भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर यूजिंग नेहा एज एन रेफरल कोड। दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। अकॉर्डिंग टू द नीड आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप ऑन गोइंग, अपकमिंग या कवर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी देख सकते हैं वंस यू आर अ पार्ट ऑफ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ कोर्सेज हैं जो करंटली लॉन्च हुए हैं। सिंपली आपको प्रोफाइल पर जाना है, कोर्सेज के लिए एनरोल कर लेना है, ताकि आराम से आप उनको डिटेल में देख सकें, लाइव सेशंस को अटेंड कर सकें एंड अपने प्रिपरेशन में एक लेवल ऊपर जा सकें। बट कुछ कोर्सेज जो फ्री नहीं है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि नेहा रेफरल कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी एजुकेटर्स की राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए क्लासेस देखने को मिलती है। फिर अपनी सब लाइक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ तो हमने बात की प्लस फीचर्स के बारे में, कुछ फ्री क्लासेस भी होती है जिनको हम स्पेशल क्लास के नाम से जानते हैं। स्पेशल फ्री क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव वे में क्लासेस कवर होती हैं, 1-to-1 इंटरैक्शन हम कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वहाँ पर हम पोल रन करते हैं ताकि आप लोग अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग देख सकें कि कहाँ अप्लाई करते हो। रेजा हैंड ऑप्शन इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, जो थोड़े ही समय पहले अन अकेडमी की तरफ से आया है, जिसमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो एंड रियल टाइम में अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। नोटिफिकेशंस आती हैं तो आपकी क्लास मिस नहीं होती हैं, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलते हैं, कहीं पर भी कैसे भी आप क्लासेस को कर सकते हो। गुरुमंत्र मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा नेहा तनेजा लाइफ साइंस अन अकेडमी का मेरा ऑफिशियल चैनल है, जिस पर अगेन अन अकेडमी से रेलिवेंट जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपको मिलती है। दोनों की ही लिंक आई विल बी गिविंग यू, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आइकॉनिक प्लस का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जहां पर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, पर्सनल लेवल पर आपको लाइक कोचिंग दी जाती है, क्वेश्चन सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, स्टडी प्लानर्स एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के अंडर जो आप काम कर सकते हैं। रिसेंटली आस्क अ डाउट नाम से भी एक फीचर जो है लॉन्च हुआ है, जिसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं इन आस्किंग योर डाउट रेदर टू रिलेवेंट टू योर स्टडीज। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं। एंड मेक श्योर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो तनेजा नेहा ऑफिशियल पर मुझे मेल कर दे एंड कोई भी क्वेरी है तो वो देख सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ओके एवरीवन, सो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन वी विल बी फोकसिंग ऑन द पाथवे। आप नोट्स के फॉर्म में भी इनको पेन डाउन कर सकते हैं, सो दैट जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इजीली कर सकें। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट्स हैं रेलेवेंट टू नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे,
और यहाँ पर बीटा कैटेनिन का कोई रोल हम नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि हमने कैनोनिकल पाथवे में पढ़ा था। WNT बीटा कैटेनिन कैनोनिकल पाथवे में हमने पढ़ा था। इन एडिशन टू सेंडिंग सिग्नल्स टू न्यूक्लियस, WNT प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जब भी हमें सेल का फंक्शन, उसकी शेप और उसके बिहेवियर में चेंजेस लाने होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव नॉन कैनोनिकल पाथवे दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एंड अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लैनर सेल पोलैरिटी पाथवे, जो कि यूजुअली आप एवियन डेवलपमेंट, जो आप चिक डेवलपमेंट पढ़ते हो, वहां पर भी आप इस पाथवे का जिक्र जो है वो करते हो। इसके अलावा एक और पाथवे है, दैट इज WNT कैल्शियम रेगुलेटेड पाथवे, जिसको मैं पार्ट 3 में पढ़ाऊंगी, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में। जो प्लैनर सेल पोलैरिटी है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PCP भी बोलते हो, अगर हमें यहाँ पर सेल की शेप को चेंज करना है तो हमें साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क पर फोकस करना होगा, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। एक है आपका एक्टिन एंड दूसरा है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क। अगर हम इसको रेगुलेट कर लेते हैं तो सेल की शेप भी रेगुलेट हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। एंड ऑफन इस पाथवे का रिजल्ट होता है बाइपोलर प्रोट्यूसिव बिहेवियर्स नेसेसरी फॉर अ सेल टू माइग्रेट। बाइपोलर प्रोट्यूसिव, जब भी आप किसी प्रोट्यूजन की बात करते हो तो आप क्या बोलते हो कि इस तरीके से जो है प्रोट्यूजन्स निकल रहे हैं, कि चीजें जो है वो आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से, समवॉट है ना, शेप में चेंज हो रहा है, प्रोट्यूजन्स निकल रहे हैं, तभी जो है माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। कुछ WNTs हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका नाम आपको याद रखना, बिकॉज आप जानते हैं स्पेसिफिकली अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की या सिग्नलिंग की बात करते हैं तो फैक्टर्स का नाम रखना, याद रखना कितना जरूरी है। WNT5A WNT11 इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन का नाम है डिशेवल, शॉर्ट फॉर्म में आप DSH भी लिखते हो, ऑलरेडी कैनोनिकल हमने पाथवे में भी इसका जिक्र किया था। बाय बाइंडिंग टू अ डिफरेंट रिसेप्टर, यहाँ पर रॉ रिसेप्टर से ये बाइंड कर रहा है, ठीक है। कैनोनिकल में हमने LRP5 की बात की थी, यहाँ पर हम रॉ रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, जिसके साथ फ्रिजल्ट भी जुड़ा होता है। एंड दिस रॉ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट, ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है डिशेवल्ड को। अब डिशेवल्ड का काम होता है आगे का काम करना, सेल की शेप को, फंक्शन को, बिहेवियर को मॉड्यूलेट करना बाय इंटरैक्टिंग विद अ फैमिली ऑफ रो जीटीपेजेस। रो जीटीपेजेस के बारे में सब जानते हैं, मॉलिकुलर स्विचेस की तरह काम करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में। एंड अगेन हम देखते हैं एक्टिन जो आपका एक मोटर प्रोटीन है, रीऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल रो जीटीपेजेस का रहता है। तो यहाँ रो जीटीपेजेस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ और पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं। रो जीटीपेजेस बेसिकली आप देख रहे हो मास्टर बिल्डर्स हैं, है ना। जब आप बात करते हो चेंजेस की, या शेप में चेंजेस की, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स में चेंजेस की, वहां पर आप रो जीटीपेजेस की बात करते हो, जो कि रीमॉडल करते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स को, सो दैट शेप में चेंज किया जा सके एंड मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ाई जा सके। WNT सिग्नलिंग थ्रू PCP पाथवे मोस्ट नोटेबल है जब हम सेल के बिहेवियर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मूव करना है, यहाँ मूव नहीं करना है, यहाँ मूव करना है, अलॉन्ग द सेम स्पार्शियल प्लेन विद इन अ टिश्यू, एंड हेंस इज कॉल्ड एज प्लैनर पोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से इसका नाम आया है, कि अगर हम सेल्स के माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम एक ही प्लेन में बात कर रहे हैं, कि एक ही प्लेन में जो है उनका मूवमेंट हो। जैसे कि अगेन अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वे में ही दे विल बी मूविंग, अपर लोअर का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हम इसको प्लैनर पोलैरिटी पाथवे भी बोलते हैं। WNT और PCP सिग्नलिंग डायरेक्ट करता है सेल्स को टू डिवाइड इन द सेम प्लेन, अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में नहीं, सेम प्लेन में मूव करना है और डिवाइड करना और पॉलीफरेट करना। वर्टिब्रेट्स के केस में आप जहां पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जर्म लेयर्स यानी एक्टो एंडो मीजो का को भी लाने में। आप गैस्ट्रुलेशन पढ़ते हो, वहां पर भी तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट्स पढ़ते हो, इनग्रेशन है, इनवॉल्यूशन है, एपिबोली है, डीलेमिनेशन है, वहां पर भी सेल्स मूव करते हैं, है ना। एंड हम देखते हैं स्पेसिफिक जर्म लेयर्स आती हैं। इतना ही नहीं, एक्सटेंशन ऑफ AP एक्सेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन भी
सेल डिवीजन एंड माइग्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये चीज आप कहाँ पढ़ते हो? ये चीज आप एवियन डेवलपमेंट, चिक डेवलपमेंट में पढ़ते हो, जहां पर आप प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन देखते हो। वहीं से हमारा एपी एक्सिस भी डिफाइन हो जाता है, अगर आपने चिक डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। ये कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, की रोल प्लेयर्स हैं। अब हम चलते हैं पाथवे की तरफ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन मच बेटर वे। ये हमारा पाथवे है। देखिए यहाँ पर हम किस पाथवे पर फोकस कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन दिस पाथवे। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो आपका प्लैनर सेल पोलैरिटी पाथवे है, पीसीपी पाथवे, डब्ल्यूएनटी इज देयर। डब्ल्यूएनटी यहाँ पर एलआरपी के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर रॉर रिक रॉर यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, वहां पर बाइंड कर रहा है। एंड फ्रिजल्ड यहाँ पर एज एन को रिसेप्टर काम कर रहा है, आप देख रहे हो। आफ्टर इंटरक्शन ऑफ WNT विद रिक एंड रॉर एंड फ्रिजल्ड एज एन को रिसेप्टर, ये एक्टिवेट कर देता है किसको? रो GTPases को। साथ ही हम देख रहे हैं डिसेबल्ड भी एक्टिवेटेड है, ऑब्वियसली वो भी एक्टिवेटेड है। तो रो GTPases जो एक्टिवेट हो गए हैं, दे विल बी डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या वो कर रहे हैं? आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहा है एंड बाकी हम आपको बता भी देते हैं। WNT signaling is transduced through frizzled independent of LRP leading to the activation of disheveled. Rick Rohr के साथ bind करने के बाद disheveled activate हुआ। In turn disheveled ने activate किया DAM1 protein को। DAM1 क्या करेगा? It will be, इस pathway में ये नहीं दिखाया गया, ये आपको याद रखना है, mediate activation of Rho GTPases जो इंटर्न एक्टिवेट कर देगा रो काइनेसेस को, ठीक है, जिसमें आप रॉक का एग्जांपल पढ़ते हो। डैम वन आल्सो मीडिएट एक्टिन का पॉलीमराइजेशन थ्रू द एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोफिलिन। प्रोफिलिन की बाइंडिंग की मदद से आप देखोगे एक्टिन का भी पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट्स भी प्रोलिफरेट हो जाएंगे। जब ये चेंजेस आते हैं तो साइटोस्केलेटन क्या हो जाता है? वो रीमॉडल हो जाता है, जो कि जरूरी है पोलैरिटी के लिए, माइग्रेशन के लिए, बेसिकली लोकोमोशन के लिए। अगर सेल को मूव करना है तो साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट उसमें मदद करता है। ये चीजें चल रही हैं कि हमने साइटोस्केलेटन पर फोकस किया सो दैट सेल में मोटैलिटी आ सके, उसका बिहेवियर चेंज हो सके। यहाँ पर अगेन जेनस काइनेज, डेफिनेटली आप लोगों ने जेनस काइनेज पाथवे पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? सेल सिग्नलिंग में पढ़ा होगा, यूनिट नंबर 4th में, CSIR की जो यूनिट नंबर 4th है। जेनस काइनेज का भी एक्टिवेशन होगा, जो इन टर्न न्यूक्लियर एरिया में जाकर ऐसे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा जो कि सेल की मोटेलिटी, पोलैरिटी एंड फंक्शनैलिटी में चेंज लाने के लिए मदद करेंगे। तो मेन चीजें क्या है कि आपको प्रोटीन जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला ये पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप चिक डेवलपमेंट पढ़ते हो। चिक डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको आप प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हो, प्रिमिटिव स्ट्रीक, हैंसन नोड, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो एवियन डेवलपमेंट में ब्लास्टुला स्टेज में बनता है, यानी कि बहुत अर्ली स्टेजेस में बनता है। एवियंस में भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है, रेप्टाइल्स में भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है। एंड अगेन आप देखते हो क्या, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को भी डिफाइन करती है। मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो आपने पीसीपी पाथवे पढ़ा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ सेल्स का ही तो माइग्रेशन हो रहा है। ये जो हमारी एपीप्लास्ट लेयर है, यही इन्हीं के सेल्स जो है वो मूव करते हैं और इन टर्न एंडोडर्म एंड मीजोडर्मल लेयर को आते हैं, लेकर आते हैं। ये देखो हाइपोब्लास्ट लेयर बन रही है, एंडोडर्म इज देयर, माइग्रेटिंग जो बीच में सेल्स है वो मीजोडर्मल फेट को लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी CSIR एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है इससे कि पाथवे अगर WNT नॉन कैनोनिकल प्लैनर पाथवे म्यूटेटेड रहता है तो क्या उसका रिजल्ट पड़ेगा या क्या उसका इम्पैक्ट दिखेगा मीजोडर्मल और एंडोडर्मल लेयर पर। तो हमें पेरिफेरी पर ये चीजें मिलेंगी जो बीच में मिलना चाहिए। एंडो आपका जो है बिल्कुल इंटरनल है, मीजो आपका बिल्कुल मिडल लेयर है, तो वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही आप देख रहे हो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाया, तो एपी एक्सिस भी डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, यानी पोलैरिटी भी डिटरमाइन नहीं हो पाएगी।
तो चिक डेवलपमेंट में दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी और जगह भी इसका जिक्र होता है, याद रखिए। सो एवरीवन, होपफुली मैं आपको काफी इजी मैनर में चीजें समझा पाई होंगी, पार्ट वन भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको डेली बेसिस पर काफी सारी चीजें इन्फॉर्म करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।